हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। हमने बोन ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन पहले हम पढ़ चुके हैं, ओके? तो उसी को आगे आगे अपने कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बोन ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, आपको सिंपली सी बात पता होगी, मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो आपको बता दूं कि बोन ओपन हाइमर अप्रोक्सीमेशन या बोन ओपन हाइमर सन्निकटन का मतलब क्या होता है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अलग अलग एनर्जीज को काउंट किया। कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, एनर्जीज होती हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी का सम बताया कि हाउ टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द एनी मॉलिक्यूल, ये हमें सिखाया। एक बच्चों का डाउट आया मुझे, मैसेज आया इसमें कि सर हम नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स। बच्चों मैं जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले बात कि जब मैं आपको ऐसी आपको ये वाली जो आपको मैं रिटन में नोट्स देता हूं, जैसे मैंने लिखा कि इन क्वांटम केमिस्ट्री, जैसे देखो आपके साथ आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि मैंने लिखा हुआ है कि इन क्वांटम केमिस्ट्री। बच्चों पहले तो सारे बच्चे क्लास में आ जाओ फटाफट, ऑल स्टूडेंट्स क्लास में आ जाओ, बीएससी बीए थर्ड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट, आप प्रॉपरली क्लास से लगाओ। आपको मैं बता दूं, आप चिंता मत करना सिलेबस को लेकर के, अपनी सेकंड यूनिट चल रही है और तीसरी यूनिट आपकी बहुत छोटी है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेडिकल वाले बच्चों को समझ नहीं आती, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्योरली प्योरली फिजिक्स वाली यूनिट है, वो नॉन मेडिकल वालों के लिए है वो। लेकिन मैं उसको प्रॉपरली यूट्यूब पे डालने वाला हूं, उसके लिए मैं प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं, वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूं, आपको आपको मैं वो देने वाला हूं। तो तीन यूनिटें आपको तैयार करनी है प्रॉपरली, और तीन यूनिटें आपकी प्रिपेयर होते ही आपके मार्क्स बहुत अच्छे बनने वाले हैं। आने वाले टाइम में पेपर में कटिंग, पेपर में डिडक्शन, सिलेबस में डिडक्शन होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना। आपका सेशन अप्रैल तक चलेगा बच्चों, अप्रैल या मई तक, अप्रैल या मई तक आपका सेशन चलेगा, श्योरली ये बात चल रही है कि अप्रैल या मई तक आपको काम करवाया जाएगा। उसके बाद जून या जुलाई में आपका एग्जाम का सीन बनेगा, ऐसी बातें चल रही हैं। लेकिन अभी ऑफिशियली अभी कुछ नहीं आया, मे बी सिलेबस डिडक्ट हो सकता है, ऐसा न्यूज पेपर में सुनने में आया कि सिलेबस की बातें चल रही हैं। कुछ कुछ हमारी जो अपनी जो राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जिन्होंने सिलेबस को ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है, कम कर दिया है, 40% 50% तक कम कर दिया है। मे बी अब बात चल रही है कि एमजीएसई इसके लिए क्या करेगी, अभी तक ऐसा कुछ अपडेट ऑफिशियली नहीं आया, अनऑफिशियली बातें चल रही है इसको सिलेबस को कम करने की। अब बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स, कि हम नोट कैसे बनाएं। तो आपको जैसे जैसे ये नोट्स मैं देता हूं, ये वाले जैसे देखो, इन क्वांटम केमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स द बोन ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन इज द बेस्ट नोन एंड मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन इन मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स। मतलब मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में मॉलिक्यूलर की टोटल एनर्जी को काउंट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, है ना। तो ये नोट्स आपको, ये देखो आपने यहां से क्या करना है, प्रॉपरली वन टू वन लाइन आपने अपनी कॉपी के अंदर नोट करनी है। बच्चे बोलते हैं कि सर हम नोट्स क्यों बनाएं, क्योंकि बच्चों जब आपका एग्जाम होगा ना लास्ट टाइम में, तो आपकी तीन तीन मिनट तैयार होंगी ना, मैं गारंटी देता हूं उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आपको सिर्फ आपने क्या करना है, अपना रजिस्टर उठाना है, रजिस्टर को उठाते ही आपको नोट्स आपको याद करना है, सिर्फ लर्न करना है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए गारंटी देता हूं आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा लेक्चर डीपली करवा रहा हूं, डिटेल में करवा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी बुक, कोई भी 5-year-old ना उठाने पड़े। आपको एक बात और करवा दूं मैं कि जैसे ही अपना सिलेबस में पूरा होगा, मैं आपको 5-year-old क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, वन लाइन वाले, टू लाइन वाले, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चन सारे करवाऊंगा जो एग्जाम में आने लायक होंगे। लास्ट ईयर मैंने बच्चों को बताया था, अभी बच्चों से आप पूछ लेना, बीएससी फाइनल के जो बच्चे थे जो अभी पास आउट हुए हैं, उनको जैसा जैसा मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में बताया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। फिजिकल केमिस्ट्री के उनको लास्ट एट द मोमेंट, लास्ट टाइम पर उनको मैंने कुछ कुछ क्या बताए, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया और एक भी चीज बाहर नहीं आई, ये बताया मैंने। तो नोट्स बच्चों ऐसे प्रिपेयर करने हैं आपने, ये देखो है ना, ये आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, ऐसे ऐसे कर लिए। ये देखो जब मैं ये लिखवाता हूं ना, तो ये भी साथ साथ ये इन इक्वेशंस को भी, इन स्टेटमेंट को भी आपने हाथों हाथ नोट करना है, जैसे मैं बोलता हूं, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, ये देखो। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपको ये वाली जो मैंने पेज बनाए हुए हैं लिख लिख करके, इंग्लिश मीडियम में अलग, हिंदी मीडियम में अलग, इसको तो आपने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद जब मैं समझाता हूं, आपने नोट किया हो तो मैं कुछ बातें समझाता हूं, कुछ बातों को मैं इलेबोरेट करके बताता हूं, समझे बात को। कुछ बातें तो मैं आपको नोट्स के वाया इलेबोरेट करता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं, उसको समझाता हूं,
ओके, उसका आप स्क्रीनशॉट लो या उसको नोट करो, जैसे मर्जी करो, आपका आपकी टेंशन है। जब मैं आपको समझाता हूं ऐसे आपको लिख लिख करके, तो इन बातों को भी आपने नोट करना है। नोट्स बनाने के बाद, मतलब इनके बाद आपने जो मैं समझा रहा हूं वो बातों को नोट करना है। इस तरीके से प्रॉपरली नोट्स तैयार करने हैं, और मैं नोट्स चेक करूंगा और आपके नोट्स की इवेल्यूएशन के हिसाब से आपको हर काम आपको देना पड़ेगा। ओके, चले आगे। तो बच्चों हमने क्या किया था, सिंपल सी बात आती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में, अब अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बोन ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सेकंड पार्ट के पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, बोन ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन का, है ना। तो ट्रांसलेशनल, हमें किसी मॉलिक्यूल में फोर टाइप्स की एनर्जी होती है। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी, सेकंड टाइप ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, एंड थ्री टाइप्स ऑफ रोटेशनल एनर्जी, एंड फोर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की। किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनिक। उससे लेस देन वाइब्रेशनल, एंड उससे लेस देन रोटेशनल, उससे लेस देन ट्रांजिशनल। और ट्रांजिशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल यानी स्थानांतरित ऊर्जा को हम क्वांटीकृत या क्वांटाइज नहीं कर सकते। क्वांटाइज नहीं करने के कारण इसको छोड़ दिया जाता है, इसको लीव कर दिया जाता है। तो टोटल एनर्जी जो है वो इन्हीं के, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ तीन लेते हैं, एक तो लेते हैं ईआर, एक लेते हैं ईवी, और एक लेते हैं ईई। यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी का ही सम निकाल करके हम टोटल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सारी बातें हमें किसने बताई, बोन एंड ओपन हाइमर ने, और इसका टोटल अप्रोक्स जो आया उसको बोन ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन की बात बोली गई। ये बातें हम पहले कर चुके थे, है ना, ये बातें हम पहले कर चुके। लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मोशन क्या होता है, इनकी ट्रांजिशन कैसे होते हैं, इनके संक्रमण कैसे होते हैं, ये बोन ओपन हैमर ने हमें बताई कि किसकी ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशनल के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वाइब्रेशनल के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, रोटेशनल के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, मान लो, मैं आपको समझाता हूं, नाउ वी स्टडी, अब अपना लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, आज सारे बच्चे, नाउ वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए बाई बाई मॉलिक्यूल। तुम यहां लिख लो बाई बाई मॉलिक्यूल, है ना, बाई मॉलिक्यूल। वी नो दैट एनी गैसेस मॉलिक्यूल हैज ए टोटल नंबर ऑफ फोर टाइप्स ऑफ एनर्जी। कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल है वो चार टाइप की एनर्जी रखता है, है ना। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूं, हम द्विपरमाणुविक अणु की संरचना का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी गैसीय अणु में कुल चार प्रकार की ऊर्जा होती है, और उनको हम अध्ययन करने जा रहे हैं। वी विल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बाई मॉलिक्यूल, द्विपरमाणुविक कर लो उसको, बाई मॉलिक्यूल, द्विपरमाणुविक गैसीय मॉलिक्यूल को हम स्टडी कर रहे हैं। वी नो दैट गैसीय मॉलिक्यूल में फोर टाइप्स की एनर्जी होती है। पहली टाइप की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। अगर ट्रांसलेशनल एनर्जी को डिफाइन करें तो वो कैसे बनती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस, इन स्पेस इट गेट्स काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कोल्ड ट्रांसफर या ट्रांसलेशनल एनर्जी, एंड इट डजंट क्वांटाइज, इन्हें क्वांटाइज भी नहीं किया जा सकता, इट इज अमाउंट ऑफ वेरी लेस। अब ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होती है, आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल है जब वो गति करता है, कभी कोई कोई मॉलिक्यूल इस तरफ गति कर रहा है, कभी इस तरफ गति कर रहा है, कभी इस तरफ गति कर रहा है, मोशन करता है, तो उसके कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसको ट्रांसलेशनल या स्थानांतरण के होने कारण, ये स्पेस के अंदर, मतलब एक 3D एरिया के अंदर, एक एक्स, ये इसकी वाई एक्सिस है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, इसकी जेड एक्सिस है, तीनों एक्सिस के अंदर जब मॉलिक्यूल को मूवमेंट करता है इस तरफ, तीनों एक्सिस के अराउंड जब मॉलिक्यूल क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो उस कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है ये क्या, ट्रांसलेशनल एनर्जी यानी स्थानांतरित ऊर्जा। अगर हम हिंदी बात करें, अंतरिक्ष का मतलब होता है 3D के अंदर, यानी एक तो एक्स एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर,
और जेड एक्सिस के अंदर, मतलब त्रिविमीय में, त्रिविमीय विन्यास में, अंतरिक्ष में यानी स्पेस के अंदर किसी कण की गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। कोई भी मॉलिक्यूल है वो गति कर रहा है कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, तो इसके कारण क्या उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाती है, वह ऊर्जा स्थानांतरण ऊर्जा कहलाती है और ऐसी गति को स्थानांतरण मोशन कहते हैं। और इस एनर्जी को कैलकुलेट करने का काम किसने किया, बॉन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी द रोटेटिंग एनर्जी, सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी आती है रोटेटिंग एनर्जी, व्हेन ए मॉलिक्यूल रोटेट्स अगेंस्ट द इंटर मॉलिक्यूल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जब कोई मॉलिक्यूल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड अराउंड रोटेट करता है, ये देखो रोटेट करा ना, ये देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये दोनों की अंतर नाभिकीय अक्ष के चारों ओर है ना, अगेंस्ट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मॉलिक्यूल इट प्रोड्यूस रोटेटिंग एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूल जो होता है ना वह नाभिक के एक्सिस या न्यूक्लियस के एक्सिस अभिलंब पर है ना क्या करता है, गति करना या घूर्णन करना शुरू कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, घूर्णन एनर्जी बोलते हैं। उसके कारण जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं घूर्णन ऊर्जा, और उसको गति क्या बोलते हैं, घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन, एंड इट इज कोल्ड रोटेशनल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन मोशन है ना, बात कर रहे हैं अपने। अगर मैं हिंदी बात करूं, जब कोई अणु अंतर नाभिकीय अक्ष के अभिलंब घूर्णन करता है, देखो अंतर नाभिकीय दूरी के अभिलंब दूरी करता है, देखो अभिलंब, तो जो अणु के गुरुत्व केंद्र से, अणु के गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरता है उससे घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसके ही घूर्णन मोशन कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। ये तो हो गया घूर्णन, ये सारी बातें किसने बताई, बॉन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन ने। थर्ड टाइप आती है वाइब्रेटिंग एनर्जी। वाइब्रेटिंग एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी दैट इज जनरेटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग या वाइब्रेशनल एनर्जी, ऑल्दो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स अनचेंज्ड। मेन इंपॉर्टेंट बात, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता। जैसे मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस तरफ मोशन कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इस तरफ मोशन कर रहा है, इससे क्या होता है कि इसके अंदर एक वाइब्रेशंस जनरेट हो जाते हैं अलोंग द एक्सिस, अगर बात करें तो है ना, कि जनरेटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बोथ साइड, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल दोनों साइड्स में क्या कर रहे हैं मूवमेंट शो कर रहे हैं है ना, और इसके कारण इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी चेंज नहीं होता, इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता और ये मोशन करते हैं और उनके अंदर एक वाइब्रेशन जनरेट होते हैं और उसको बोला जाता है वाइब्रेशनल मोशन, और वाइब्रेशनल मोशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसको वाइब्रेशनल एनर्जी के नाम से जाना जाता है, इट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी। चले आगे, कंपन ऊर्जा। अब देखो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बताया उसके नोट्स बनाओ, उसके बाद मैंने पर्टिकुलर एनर्जी को डिफाइन कर रहा हूं, फिर मैं ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करूंगा हेल्प ऑफ द बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। अणु के नाभिक के दोनों ओर गति करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कंपन ऊर्जा कहलाती है, यद्यपि इसमें गुरुत्व केंद्र अपरिवर्तित रहता है, इसमें गुरुत्व केंद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अणु क्या कर रहा है, इस तरफ मोशन कर रहा है, ये अणु इस तरफ मोशन कर रहा है, फिर कभी कभी इस तरीके से दोनों डायरेक्शन की तरफ ये क्या करते हैं, मोशन करते हैं, जिसके कारण इनमें एक वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट हो जाता है और ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन इनके अंदर एक वाइब्रेशनल एनर्जी जनरेट होती है। कंपन के कारण कंपन ऊर्जा उत्पन्न होती है और कंपन ऊर्जा के हुई इसे ही कंपन ऊर्जा कहा जाता है। कंपन गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कंपन ऊर्जा कहलाती है, समझे बात, कंपन के कारण। तो इसमें गुरुत्व केंद्र, जो इसका गुरुत्व केंद्र है, जिससे गुरुत्व केंद्र है वो अपरिवर्तित रहता है। बच्चों आपने प्रॉपरली डायग्राम बनाने, जो मैंने डायग्राम यहां ड्रॉ किए हैं आपको कॉपी के अंदर ड्रॉ करने हैं, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि बोन ओपन हाइमर अप्रोक्सीमेशन पे, बोन ओपन हाइमर सोनिकटन पे इतना डीपली किसने समझाया हो। अगर आपको 3 मार्क्स का आया तो आपने दोनों लेक्चर को जोड़ करके लिखना है, ये 3 मार्क्स का आपने इतना काम करना है। चलिए आगे, आगे आती इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। द 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी इज द नोन एज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। द एनर्जी लेवल एक्साइटेड बाय द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिशंस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन ऑफ द एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी एंड द एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। समझे बात को, कोई भी ये है लो एनर्जी लेवल, ये जिसको बोलते हैं अपने ग्राउंड स्टेट यानी निम्नतम ऊर्जा स्तर, निम्नतम ऊर्जा स्तर में पड़ा कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन
एक स्तर से ऊर्जा को ग्रहण करता हुआ दूसरे स्तर में चला जाता है, इस तरीके से ये संक्रमण शो करता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और इसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जो ऊर्जा जनरेट होती है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। समझे बात को, यानी एक इलेक्ट्रॉन के निम्नतम ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में उपयुक्त आवृत्ति के फोटोन के अवशोषण के द्वारा संक्रमण होता है, और इसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी यहां पर जो फोटोन को उसने अवशोषित किया है, एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब एप्रोप्रिएट द फोटोन ड्यू टू एप्रोप्रिएट एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी एट एंड एनर्जी इज जनरेटेड, उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। समझे बात को, ये फोर काइंड्स ऑफ टाइप की एनर्जी उसने हमने बताई, उसी को हमने कैलकुलेट किया, उसको सम किया, और हमें टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल आ गई। टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा, गैसीय मॉलिक्यूल। चलते हैं आगे बच्चों, अब आपके सामने क्या कर रहा हूं मैं, अब आपको जो मैंने फोर टाइप्स बताए हैं इनके मैं क्या बताने जा रहा हूं, एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं, इनमें ट्रांजिशन को शो करने जा रहा हूं। मान लो कि मैं एक ट्रांजिशन को शो करता हूं आपके सामने, देखो ओके, अभी आपको मैं क्या करता हूं, एक ट्रांजिशन को शो करने जा रहा हूं बच्चों। चले आगे, चलो बच्चों सभी बच्चे क्लास लगाओ एक्टिवली, मुझे सब पता है कि आप कैसे क्लास लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हैं। अभी मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको स्टडी करेंगे, अलग अलग मोशंस की अलग अलग एनर्जी को स्टडी करेंगे, और ट्रांजिशन सभी के ट्रांजिशन को अपने स्टडी करेंगे। ये एक मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बच्चों इसको ड्रॉ कर लो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। वी नो दैट एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर आपको पता है काफी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मैं सबसे पहले क्या बनाता हूं, ग्राउंड स्टेट पे क्या बनाता हूं, एन इज इक्वल टू जीरो, और एन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तुम यहां लिख लो एन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल यानी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर को एन से प्रदर्शित किया जाता है, और ये होते हैं बहुत सारे, जैसे एक बना दिया मैंने, ये तो है सबसे निम्नतम ऊर्जा वाला, सबसे लो है, सबसे ग्राउंड स्टेट, ये रहा और ये रहा, एन इज इक्वल टू टू और एन इज इक्वल टू थ्री। यहां मैंने क्या ले लिया बच्चों, यहां मैंने ले ली एनर्जी, ऊर्जा को ले लो ग्राफ के अंदर, और यहां मैंने क्या ले लिया, अलग अलग जो एनर्जी के लेवल्स हैं वो ले लिए मैंने, है ना। तो यहां पर आपका क्या, एन इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या है कि ये आपका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो एक डायग्राम के अंदर, ट्रांजिशन के अंदर कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना, कई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, और कई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, क्योंकि उनकी एनर्जी लो होती है। अभी आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, वन मिनट होल्ड रखो बच्चों, शाबाश। अब इसके अंदर बच्चों कई प्रकार के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं जो मैं बनाने जा रहा हूं, एक 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 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर, ये देखो है ना, आपको शो हो रहे होंगे, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को अपने V से शो करते हैं, V इज इक्वल टू जीरो, V इज इक्वल टू वन, है ना, V इज इक्वल टू जीरो, तो V इज इक्वल टू जीरो एंड V इज इक्वल टू जीरो, V इज इक्वल टू वन, सॉरी दोबारा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायग्राम बनाते जाओ, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को, आमतौर पर ये डायग्राम बनाना आता नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में आता होता है, इसको आपको ड्रॉ करके आना है, आना है, बोन ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन में बच्चों। सिंपल सी बात है, मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में मैं एक मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी को शो कर रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी में कई प्रकार की एनर्जी होती है, पहली होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, तो उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को बना दिया, मुझे पता है कि इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, तो इसमें डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एन, एन इज इक्वल टू जीरो मतलब लो एनर्जी लेवल, यानी ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी लेवल, कौन सी एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, एन को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से
ही प्रदर्शित किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर को एन से प्रदर्शित किया जाता है। एन इक्वल टू जीरो मतलब ये सबसे निम्नतम ऊर्जा, निम्नतम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, ये इससे उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, ये उससे उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, एन इज इक्वल टू थ्री, समझे बात को, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक, एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में कई सारे मैक्सिमम कई सारे कंपन ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। ये देखो मैंने कंपन, एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के अंदर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के अंदर कई सारे कंपन ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। V इक्वल टू जीरो, V इक्वल टू वन, ये क्या है, एक प्रकार के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर बच्चों, अभी मैं बनाने जा रहा हूं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर कई प्रकार के, कई प्रकार के घूर्णन, देखो अभी ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, कई प्रकार के घूर्णन ऊर्जा स्तर भी मिलते हैं, कई प्रकार के घूर्णन ऊर्जा स्तर भी पाए जाते हैं, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। ये देखो कई प्रकार के घूर्णन ऊर्जा स्तर भी मिलते हैं, ये देखो इसको घूर्णन ऊर्जा स्तर को, रोटेशनल एनर्जी लेवल को, हालांकि अपने R से करते हैं रिप्रेजेंट, R से, लेकिन यहां पर अपने R से ना करके J से करेंगे, है ना, J, तो इसका मतलब J इज इक्वल टू, यहां की J की वैल्यू क्या है, J इज इक्वल टू वन, यहां क्या है, J इज इक्वल टू टू। अगर मैं यहां बात करूं तो इस पे इसको मिलता हूं J डैश, J डैश इज इक्वल टू वन, J डैश इज इक्वल टू, J डैश इज इक्वल टू टू, ये सेकंड हो गया। मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर कई सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं, हालांकि मैंने दो शो किए हैं, आप ज्यादा भी शो कर सकते हो। यहां जे जे डबल डैश इज इक्वल टू वन, जे डबल डैश इज इक्वल टू टू, यहां जे ट्रिपल डैश मतलब अलग अलग, अलग अलग वन, जे ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, मेरी बात समझे बच्चों। एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर कई प्रकार के, कई प्रकार के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल मिलते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल मिलते हैं, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर यानी कंपन ऊर्जा स्तर के अंदर कई प्रकार के रोटेशनल एनर्जी लेवल मिलते हैं, ये जे वन जे टू, है ना, ये जो मैं नोट किया, जे टू टू वन जे टू टू, है ना, तो कई प्रकार के रोटेशनल एनर्जी लेवल मिलते हैं। तो ये डायग्राम बनता है बच्चों। अब इसको कैसे कैसे समझाऊंगा, इसको मैं एक बारी आपको समझाता हूं। पहले आप लिखो N इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इसको अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। J को बोलते हैं कंपन ऊर्जा स्तर, यानी इंग्लिश में बोले तो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, यानी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और J की वैल्यू ये होती है, ओके, N इजिकल टू J, J इजिकल टू J, और V को बोलते हैं, सॉरी J नहीं, अगर इसको बोलेंगे V से नोट करेंगे, मैं गलत लिख गया, यहां V आएगा, और J को लिखते हैं, J को, J इजिकल टू रोटेशनल एनर्जी लेवल, यानी घूर्णन ऊर्जा स्तर, घूर्णन ऊर्जा स्तर। तो बात समझे बच्चों बात। अब डायग्राम में देखो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के अंदर कई प्रकार के कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं, और कई प्रकार के कंपन ऊर्जा स्तर के अंदर कई प्रकार के घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में मेनी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल सर्वाइव करते हैं, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर मेनी टाइप्स ऑफ रोटेशनल एनर्जी सर्वाइव करते हैं। इसका मतलब आप बात समझे कि इस तरीके से इनमें ट्रांजिशन होता है, इस तरीके से इनमें ट्रांजिशन होता है, इस तरीके से इनमें ट्रांजिशन। अगर 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 एक एन से एक एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल की तरफ ट्रांसफर होगा ना, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर जो होगा एनर्जी का या इलेक्ट्रॉन का, वो वाइब्रेशनल से वाइब्रेशन की तरफ भी होगा और रोटेशनल से रोटेशन की तरफ भी होगा, समझे बात को। तो यहां पर सबसे कम ऊर्जा हमें ट्रांजिशन करने के लिए वो चाहिए होती है किसमें, रोटेशनल एनर्जी लेवल में, रोटेशनल एनर्जी लेवल में काफी लोएस्ट एनर्जी चाहिए होती है, और मैक्सिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जाने के लिए काफी हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। और हमें पता है कि एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा के, इसका मतलब जब जब आप एक रोटेशनल एनर्जी से सेकंड रोटेशनल एनर्जी में एंटर करते हैं तो काफी बड़ी लैम्डा की रिक्वायर्ड होती है, उसकी लैम्डा की वैल्यू अत्यधिक होती है, मैक्सिमम होती है, उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होती है। एक
एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल की तरफ जाने के लिए हमें काफी कम ऊर्जा यानी लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उसकी लैम्डा की वैल्यूज काफी हाई होती है। इस तरीके से ट्रांजिशन होते हैं। इन सारे ट्रांजिशनों को उसने सम किया, ट्रांसलेशनल मोशन को उसने गिवअप कर दिया, रिलीव कर दिया, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन को यानी स्थानांतरित जो गति होती है उसकी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं की जा सकती, उसको छोड़ दिया। ये सारे ट्रांजिशन समझाए और इसी ट्रांजिशन का एक डायग्राम ड्रॉ किया। इस तरीके से ट्रांजिशन होते हैं, इस तरीके से संक्रमण होते हैं। और इट मीन आप एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से घूर्णन ऊर्जा स्तर में जाने के लिए काफी कम ऊर्जा चाहिए होती है, रोटेशनल एनर्जी लेवल से सेकंड रोटेशनल लेवल में एंटर होने के लिए काफी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जाने के लिए। और कंपन वाइब्रेशन जो मोशन होते हैं वो मिड में आते हैं, उनमें मिडल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तभी तो हमने वो डायग्राम ड्रॉ किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है वो जो होती है काफी हाई होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है उसकी काफी हाई होती है, लेकिन उसके बाद होती है वाइब्रेशन, उसके बाद होती है अपनी कौन सी रोटेशनल मोशन की। ये हमने इसलिए तो हमने ड्रॉ किया था और हम ट्रांजिशनल एनर्जी को छोड़ दिया था। ये सारे ट्रांजिशंस को हमें किसने समझाया बच्चों? ये ट्रांजिशन इतने इंपॉर्टेंट है कि हर ट्रांजिशन से कोई ना कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी निकल के आएगी। ये सारे स्पेक्ट्रा जो आ रहे हैं ना, इससे कोई ना कोई नई नई स्पेक्ट्रोस्कोपी का जन्म हुआ, नई नई स्पेक्ट्रोस्कोपी की बॉर्न हुई, नई नई स्पेक्ट्रोस्कोपी निकल के आई। वो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं बाद में बताऊंगा। इतनी बात बॉर्न ओपेनहाइमर ने बता दी कि हाउ टू ट्रांजिशन वन लेवल टू अनदर लेवल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन लेवल्स, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द गैसिया मॉलिक्यूल, ये सारी बातें हमें किसने बताई? बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन ने बताई। आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ और हमारा बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन भी कंप्लीट हो गया। आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा जो कि एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसके बीच में बना हुआ है बच्चों? ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसके बीच में बना हुआ है? एनर्जी इज इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन, ये देखो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी लेवल्स के बीच में बना हुआ है। ये देखो, ये एक बड़ा एक सेकंड टू फर्स्ट टू सेकंड, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। ये क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में काफी प्रकार के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पाए जा रहे हैं, देखो। और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या होते हैं? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि रोटेशंस के द्वारा जनरेट होते हैं। और ये सारे के सारे रोटेशन मोशन, वाइब्रेशन मोशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण क्या होते हैं? ये सारे लेवल्स जनरेट होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना। ये सेकंड टाइप का क्या है? इसके अंदर क्या होंगे? ये प्रकार के वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, और वाइब्रेशंस के अंदर क्या होंगे? रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे। ये देखो, समझे बात को? इस तरीके से ट्रांजिशन होते हैं, इस तरीके से अपने अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी को हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। इस तरीके से मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट डिफरेंट मोशंस को स्टडी किया था, उसको कैलकुलेट करके इसने बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को समझाया। ये देखो, मैंने इसका ये भी एक डायग्राम बनाया है। ये देखो, अलग अलग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और ये ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, और यहां पर सबसे पहले क्या हो रहे हैं? वाइब्रेशनल मोशन हो रहे हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं, और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के अंदर रोटेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं। देखो, आपके सामने स्क्रीन शो होगा कि यहां देखो, वाइब्रेशनल मोशन के अंदर रोटेशनल मोशन हो रहे हैं, रोटेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं, और रोटेशनल ट्रांजिशन आगे आगे ये देखो यहां पर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉन। तो तीन प्रकार के मैंने आपको बेसिकली ट्रांजिशन समझाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में एक ट्रांजिशन हो गया, फिर एक वाइब्रेशन मोशन से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन हो गया, फिर रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन हो गया, और सारी एनर्जी को कैलकुलेट किया और एक अप्रोक्सीमेशन निकाला जिसको बोला गया बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल को हमने कैलकुलेट कर लिया, और इससे कई प्रकार की नई स्पेक्ट्रोस्कोपी का जन्म हुआ। जैसे यहां देखो, आपका नाम आ रहा होगा इंफ्रारेड, यहां आ रहा होगा यूवी, यहां आ रहा होगा देखो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सारी बातें बाद में बताऊंगा कि रोटेशनल रोटेशनल मोशन से कैसे माइक्रोवेव आई स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैसे वाइब्रेशनल से इंफ्रारेड आई, ये सारी बातें बताऊंगा तुम्हें। ये आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ बच्चों, कोई दिक्कत है तो बताओ। बच्चों सारी बात समझ में आई आपको? ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चों आपने अपने हाथ से, जल्दी बोलो फटाफट, नोट्स कैसे बनाने हैं आपको समझ में आया? मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताओ कि नोट्स कैसे बनाने हैं आपको समझ में आया सारी बातें? मैं लेक्चर एंड करने जा रहा हूं, सारी बातें आपने नोट्स करनी है, नोट करनी है, राइट डाउन द इन योर नोट्स,
कॉपी रजिस्टर मैं चेक करने वाला हूं। ओके बच्चों, आपको एक चीज करवा रहा हूं, सिलेबस की कोई चिंता मत करना, सब करवा के जाऊंगा आपको। अब मैं क्लास का एंड करता हूं बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं कल फिर। ओके बच्चों।